सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। आतंकी फंडिंग पर लगाम के लिए बड़ा कदम, सुरक्षा परिषद में अहम प्रस्ताव पारित। आतंकियों और आतंकी गुटों को मिलने वाली वित्तीय मदद को रोकने में मिलेगी मदद, भारत ने किया स्वागत। प्रस्ताव को बताया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम कदम। पुलवामा आतंकी हमले के डोजियर को लेकर पाकिस्तान के जवाब पर भारत ने जताई निराशा, कहा सीमा पार आतंकवाद में संलिप्तता में इनकार पाकिस्तान की पुरानी आदत, इस्लामाबाद के रवैये से नहीं हुई हैरानी। जम्मू कश्मीर के बडगाम मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ओडिशा के कोरापुट, तेलंगाना के महबूबनगर और आंध्र प्रदेश के कुरनूल में रैलियां। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार, अलग राज्य बनने के बाद तेलंगाना पहली बार लोकसभा चुनाव का बन रहा है गवाह। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और बिहार के औरंगाबाद में करेंगे चुनावी रैलियां। हरियाणा में राहुल गांधी परिवर्तन यात्रा में लेंगे हिस्सा। प्रियंका गांधी अयोध्या में नुक्कड़ सभाओं को करेंगी संबोधित। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के साथ ही ओडिशा विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर की भी नाम वापसी की आखिरी तारीख आज। और भगोड़े आर्थिक अपराधियों को वापस लाने की कोशिशें तेज। लंदन की अदालत में पीएनबी धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज। जमानत रोकने के लिए लंदन में सीबीआई और ईडी की टीम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों और आतंकी गुटों की फंडिंग पर लगाम कसने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में इस प्रस्ताव को काफी अहम करार दिया है, जिससे आतंकवाद को मिलने वाले वित्तीय समर्थन को रोकने में मदद मिलेगी। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय से आतंकी गतिविधियों को वित्तीय समर्थन रोकने के लिए रास्तों की पहचान करने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की गई है। पहली प्राथमिकता के तहत आतंकवाद निरोधक कार्यालय का दायरा बढ़ाकर उसमें खुफिया सूचना के आदान प्रदान, जोखिमों की समीक्षा और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच साझेदारी को सम्मिलित किया जाएगा। दूसरी प्राथमिकता समस्या से निपटने के लिए पूरी प्रणाली में व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाने और विस्तृत ढंग से एक कार्य पद्धति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं तीसरी प्राथमिकता के तहत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ नजदीकी तौर पर काम किया जाएगा। टास्क फोर्स के प्रमुख मार्शल बिलिंगस्लेया और आतंकवाद विशेषज्ञ मर्सी बुकू ने भी इस विषय में सुरक्षा परिषद को जानकारी दी। बिलिंगस्लेया ने कहा कि नया प्रस्ताव सदस्य देशों से आतंकी गुटों को फिरौती की राशि की रोकथाम करने की अपील करता है। अगर इससे नहीं रोका गया तो आतंकी गुटों को अपहरण के जरिए धन जुटाने के लिए बढ़ावा मिलता रहेगा। उन्होंने ध्यान दिलाया कि 2/3 से ज्यादा सदस्य देश आतंकी गतिविधियों के लिए वित्तीय समर्थन पर लगाम कसने के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने इस पहल का स्वागत करते हुए आतंकी फंडिंग पर रोक पर नकेल पर जोर दिया है। At the fabric of societies across the globe. It is a menace that is not quarantined to any region. People now live in fear of terrorist threats in countries across the world. Terrorists rely on resources to sustain themselves and their activities across the world. Effective and sustained efforts at countering terrorist financing is at the heart of the issue of addressing terrorism. We therefore welcome this initiative to bring together in a comprehensive manner, various existing norms and regulations. It is a milestone in global efforts to set up a normative framework to criminalize terrorist financing. We specifically welcome the recognition in the resolution of the essential role of the Financial Action Task Force in setting global standards, especially in the context of preventing and combating money laundering, terrorist financing, and proliferation financing. As the saying goes, the proof of the pudding is in its eating.
The utility of any council resolution will therefore be in its implementation. Non-compliance of crucial sanctions measures in case of UN-proscribed terrorists and entities renders all of us member states at a high risk of facing challenges from these terrorist organizations who are well-funded and armed despite international measures. सैयद अकबरुद्दीन ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी भारत की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने आतंकी गुटों की फंडिंग मुहैया कराने वाले देशों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही। टेररिस्ट आर गोइंग टू बी एवर मोर क्रिएटिव इन फाइंडिंग वेज टू वायलेट द रूल बुक। ऑल्सो द अनफॉर्चुनेट रियालिटी इज दैट स्टेट्स हु आर अपोलोजिस्ट फॉर टेररिस्ट विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड एलिबाइज to justify their actions and inaction too, as was done by a serial offender earlier today. Nevertheless, we, the international community, need to be determined to continue evolving our toolbox and go by our rule book rather than be distracted and stray from our determination. The global community is impatient for action. Going forward, the UN collectively needs to do more and to do it much more effectively. For its part, India will be a willing partner in this endeavor. पुलवामा आतंकी हमले के डोजियर को लेकर पाकिस्तान के जवाब पर भारत ने निराशा जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान लगातार सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे से इनकार कर रहा है और इस पर पाक का रवैया पहले जैसा ही है। 2008 के मुंबई और 2016 के पठानकोट हमले के बाद भी पाकिस्तान ने ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत की तरफ से पुलवामा हमले को लेकर एक विस्तृत डॉजियर पाकिस्तान को दिया गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान में अब भी आतंकी गुट और उनके सरगना मौजूद हैं और सीमा पार आतंकी हमले हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में उसका जवाब निराशाजनक रहा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जिससे पता चल सके कि उसने अपनी जमीन पर पल रहे आतंकी गुटों पर क्या कार्रवाई की। भारत ने 27 फरवरी को पुलवामा हमले को लेकर एक विस्तृत डॉजियर पाकिस्तान को सौंपा था, जिसमें हमले के लिए जैश ए मोहम्मद को जिम्मेदार बताया गया था। डॉजियर में साफ लिखा था कि जैश सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं। दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों को बडगाम में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना, एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया। खुद को घिरा देखकर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मारे गए आतंकियों के पास से अमेरिका की M4 स्नाइपर राइफल बरामद हुई है। पिछले 24 घंटे में तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले गुरुवार को शोपियां और हंदवाड़ा में 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। और बुलेटिन में अब खबरें लोकसभा चुनाव से जुड़ी। लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो चुका है। आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। वोटों की गिनती 23 मई को होगी। अठारह अप्रैल को दूसरे चरण में 97 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3, वहीं जम्मू कश्मीर की 2, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी नाम वापसी की आज आखिरी तारीख है। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। दो चरणों में 1216 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। आयोग के मुताबिक पहले दौर के लिए 616 जबकि दूसरे दौर के लिए 600 वैध नामांकन पत्र चुनाव आयोग को मिले हैं। आयोग ने बताया कि 5 हफ्तों के दौरान 1 करोड़ नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल जबकि दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को होगा। Out of the valid nominations, 493 are the male candidates and female candidates are 45. So in total, we have about 616 valid nominations which have been filed
so far. This phase two, the status is like this. Total nominations filed are 635 for 97 parliamentary constituencies, for which there are 95 for the recognized national parties. For the state parties, there's 16. For other registered parties, the 214. For independents, 253. The male candidates are 538, and the female candidates are 41, totaling 600. पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना में रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज पहली रैली ओडिशा के कोरापुट में करेंगे और यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। ओडिशा में पहले दौर में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी और बरहमपुर संसदीय क्षेत्र शामिल है। राज्य में पहले चरण में 11 अप्रैल को लोकसभा की 4 और विधानसभा की 28 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री तेलंगाना के महबूबनगर में भी आज जनसभा को संबोधित करेंगे। अलग राज्य बनने के बाद तेलंगाना पहली बार लोकसभा चुनाव का गवाह बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भी रैली को संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत की, जहां उन्होंने नए भारत के विजन और देश की ताकत और साहस की बात की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में मेरठ, उत्तराखंड में रुद्रपुर और जम्मू कश्मीर के अखनूर में रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने एयर स्ट्राइक पर विपक्षी दलों के रुख और गठबंधन की आलोचना की, साथ ही अपनी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का भी जिक्र किया। ये कांग्रेस को और उसके साथियों का आखिर हो क्या गया है? समझ ही नहीं आता है कि क्या ये वही सरदार पटेल की कांग्रेस है जिसने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए दिन रात एक कर दिया था। मुझे समझ नहीं आता कि ये वही कांग्रेस है जिसमें रहकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंदुस्तान की कल्पना की थी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के मेरठ से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री ने विपक्ष के महागठबंधन को महामिलावटी गठबंधन बताते हुए कहा कि आज एक तरफ विकास का ठोस आधार है तो दूसरी तरफ न नीति है न विकास है, न ही कहीं नीयत नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के क्रांति धरा मेरठ से लोकसभा चुनाव के चुनावी रैली का शंखनाद किया। मेरठ में रैली के दौरान अपने विरोधियों पर प्रधानमंत्री जमकर बरसे। उन्होंने सपा बसपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी को लूटने के लिए एक हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो 70 साल में गरीबों के खाते नहीं खुलवा पाए वो खाते में पैसे कहां से डालेंगे। जो लोग अरे गरीबों का बैंक का खाता 70 साल तक नहीं खुलवा पाए वो कहते तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे, कोई भरोसा करेगा क्या? अरे जो खाता नहीं खुलवा सकता है वो खाते में डाल सकता है क्या? अभी पिछले चुनाव में दो लड़कों का खेल देखा, ये दो लड़कों से बुआ बबुआ तक पहुंचने में जो तेजी दिखाई गई है बड़ी गजब है जी। भाई और बहनों, इन लोगों के लिए सत्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरठ के बाद प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सेना को कांग्रेस ने हथियार नहीं दिए, क्योंकि कांग्रेस का ध्यान देश सुरक्षा की बजाय मलाई खाने में लगा था। राफेल खरीद में देरी को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अटल जी की सरकार ने राफेल जहाज खरीदने की शुरुआत की थी,
लेकिन कांग्रेस 10 वर्षों तक उस सौदे पर बैठी रही। क्यों? क्यों? क्योंकि मलाई नहीं मिल रही थी। वायुसेना की जरूरत को देखते हुए इस काम को आगे बढ़ाया और अगले कुछ महीने में ही राफेल हमारी सैन्य ताकत को मजबूत करेंगे। उत्तराखंड की रैली में प्रधानमंत्री ने वन रैंक वन पेंशन स्कीम को लेकर भी अपनी सरकार के कामकाज की बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ पूर्व सैनिकों तक पहुंचा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सभी पार्टियों के दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल और बिहार में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह पहले पश्चिम बंगाल में अलीपुरद्वार के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष का बिहार के औरंगाबाद में जनसभा का कार्यक्रम है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, लादवा में भी उनके कार्यक्रम हैं। प्रियंका गांधी आज अयोध्या का दौरा करेंगी। प्रियंका गांधी फैजाबाद की लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार करेंगी, साथ ही वो नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करेंगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। के चंद्रशेखर राव नालगोंडा, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद और चेवेला लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने कल उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में लोकसभा की 31 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं। इनमें पार्टी ने राजस्थान के लिए 19 और उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए 6-6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसमें प्रमुख नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का है, जिन्हें जोधपुर से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने बाड़मेर लोकसभा सीट से पूर्व बीजेपी नेता जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा टोंक, सवाई माधोपुर से नमो नारायण मीणा, उदयपुर से रघुवीर मीणा और कई और नेताओं को टिकट मिला है। उत्तर प्रदेश में संभल से जेपी सिंह, शाहजहांपुर से ब्रह्मस्वरूप सागर, झांसी से शिवशरण कुशवाहा, फूलपुर से पंकज निरंजन, महाराजगंज से तनुश्री त्रिपाठी और देवरिया से नियाज अहमद को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने ये 13वीं सूची जारी की है और कुल 293 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम भी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कल नाम वापसी लेने की अंतिम तारीख खत्म होने के साथ राज्य की 3 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। इनमें राज्य की आलोंग ईस्ट विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी केंतो जिनी शामिल हैं। उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी और कांग्रेस प्रत्याशी मिनकिर लोलेन का नामांकन अवैध पाया गया। राज्य की येचुली विधानसभा सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिया गया है। इसके अलावा दिरांग विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पुरपा तिस्त्रेंग उस समय निर्वाचित घोषित हो गए जब कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने गुरुवार को अपना नाम वापस ले लिया। इसके साथ ही अब राज्य में 57 सीटों पर 191 प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं। और आइए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। चुनाव आयोग मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी की दरों को 1 अप्रैल से संशोधित करने की ग्रामीण विकास मंत्रालय को अनुमति दे दी है। उपचुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना के मुताबिक आयोग ने मंत्रालय के इस अनुरोध को सशर्त मंजूरी दी है। मंत्रालय ने चुनाव आयोग से मनरेगा के तहत श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी की दरें संशोधित करने की मंजूरी मांगी थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत भुगतान की गई मजदूरी को कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जाता है और नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल को अधिसूचित की जाती हैं। 1 अप्रैल को नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है, इससे देश भर के कई करोड़ लाभार्थियों को फायदा हो सकता है। उन्होंने बताया कि यह एक नियमित प्रक्रिया है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण नई दरों को अधिसूचित करने से पहले चुनाव आयोग की मंजूरी लेना अनिवार्य है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू कश्मीर के हालात के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के नजरिए को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम विशेष दर्जे से अलगाव तक की यात्रा पर लगाम लगाएं।
सात दशकों के बाद ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या नेहरू जी का जो दृष्टिकोण था जम्मू कश्मीर पे वो सही था। उसका असर ये हुआ कि अलग अस्तित्व से यात्रा अलगाववाद की तरफ चली गई। स्वाभाविक है कि आज वक्त आ गया है कि कानून का राज जम्मू कश्मीर में भी हो, और इसलिए पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में कानून के राज की एक व्यवस्था बनी है। अलगाववाद की जड़ जहां से पैदा होती थी ऐसी संस्थाएं जमायत इस्लामी JKLF पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उनके सैकड़ों कार्यकर्ता जेल में हैं, उनके दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। NIA और इनकम टैक्स बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ जो टेररिज्म के लिए पैसा आता था उसको उन्होंने उसके ऊपर रोक लगाने का प्रयास किया है। जो लोग इस देश से अलग होने की वकालत करते थे उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है, और जनता के लिए एक शांति का माहौल एक बार फिर जम्मू कश्मीर में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अरुण जेटली ने कहा कि अनुच्छेद 35A संविधान में चुपके से जोड़ा गया था, इसका इस्तेमाल राजनीतिक ढाल के रूप में किया जाता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर के आम लोगों को हुआ। अरुण जेटली ने आतंकवाद और अलगाववाद को लेकर कश्मीर की मुख्य धारा की पार्टियों के नरम रवैये की आलोचना की। आर्टिकल 35A जिसकी बहुत चर्चा होती है किसी संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं लाया गया था, वो अनुमति देता है कि भेदभाव कर सकते हैं दो नागरिकों के बीच में, एक नागरिक ऐसे जो वहाँ संपत्ति नहीं खरीद सकते, जिनके बच्चों को कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल सकता, जिनको सरकारी नौकरियाँ नहीं मिल सकती, और जो वहाँ पर असेंबली के म्यूनसिपैलिटी के पंचायत के चुनाव में वोट भी नहीं डाल सकते। इसका असर ये हुआ कि जबकि राज्य के अंदर आर्थिक साधन बहुत कम हैं, बाहर से कोई आर्थिक साधन लगाने वाला नहीं था, कोई नए कॉलेज नहीं बने, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनी, कोई उद्योग नहीं लगे, कोई इतने बड़े पर्यटन के केंद्र में कोई होटल चेन्स इस प्रकार की नहीं आई, और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था भी सुकड़ी रही, और इसकी वजह से जो नई नौकरियां जॉब क्रिएशन होना था राज्य के अंदर नहीं हुआ। इसका सबसे अधिक नुकसान जो हुआ जम्मू कश्मीर की जनता को हुआ। ब्रिटेन की अदालत में भगोड़े कारोबारियों के प्रत्यर्पण संबंधी मामले की सुनवाई को लेकर अगले कुछ दिन काफी अहम साबित होने वाले हैं। हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका पर आज वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होगी। नीरव मोदी को पिछले हफ्ते बुधवार को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नीरव मोदी गिरफ्तारी के बाद 10 दिन जेल में बिता चुका है। भागने की आशंका होने से कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा था। इस बीच जमानत रोकने के लिए लंदन में CBI और ED की टीम मौजूद है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विदेश मंत्रालय की ओर से ऑनलाइन आवेदन अपलोड कर दिए गए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है जो 30 अप्रैल तक चलेगी। जून से प्रस्तावित यात्रा में इस बार भी 18 दल भेजे जाएंगे। हर एक दल में अधिकतम 60 यात्री होंगे। यात्रा के ऑनलाइन पंजीयन के लिए भारतीय पासपोर्ट के साथ ही यात्री को अपनी व्यक्तिगत जानकारी और एक फोटोग्राफ की आवश्यकता होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा सबसे दुर्गम धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में बोलीविया पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति का बोलीविया पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। बोलीविया के सांता क्रूज एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट पर बोलीविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने राष्ट्रपति की अगवानी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये भारत बोलीविया द्विपक्षीय संबंधों में ऐतिहासिक दिन है। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अपने समकक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वो भारत बोलीविया बिजनेस फोरम की बैठक में भाग लेंगे और सांताक्रूज विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अधिक सशक्त, संवेदनशील और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान दे। हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने भौतिकवादी दुनिया को लेकर लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सामाजिक परंपरा सभी को साथ लेकर चलने की बात कहती है। Responsible future citizen. It absorbs the shocks. It provides the needed guidance, affection, love, care, share. All these things come through family system. But unfortunately, slowly,
in India also, even in our regions also, the family system is withering away. One is, of course, people are going to different places for the sake of employment and better opportunities. And also, nowadays, people want to live independently. राज्यसभा के महासचिव देशदीपक वर्मा ने कहा है कि संसदीय समितियां एक ऐसा मंच है जहां सांसद पार्टी लाइन से हटकर सच्चाई के साथ अपनी बात रखते हैं। संसदीय समितियों की बैठक और कार्यवाही को मीडिया कवरेज के लिए उपलब्ध नहीं होने को आम सहमति से लिया गया फैसला बताया। उन्होंने संसद की स्थायी समिति के कामकाज को लेकर राज्यसभा सचिवालय में कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। देशदीपक वर्मा ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला संसदीय समितियों को और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। राज्यसभा के महासचिव ने कहा कि कमेटी से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कानून निर्माण की प्रक्रिया में ये मूलभूत जानकारी मुहैया कराते हैं। दो दिवसीय कार्यशाला में राज्यसभा के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के अलावा समिति से जुड़े दूसरे अधिकारियों ने हिस्सा लिया। The committee systems are very important. People who are working in the committee systems are very important because you are the one who provide the basic information, basic knowledge to the committee system. And as I will come later, that you can be very, very instrumental in making these committees efficient, useful and functional. राज्यसभा सचिवालय ने कल स्कूली बच्चों के लिए ड्राइंग, पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों ने शिरकत करके अपना हुनर दिखाया। ये बच्चे प्रतियोगिता में हिस्सा ले अव्वल आने की कोशिश में जुटे हैं। राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों ने गुरुवार को यहाँ आयोजित ड्रॉइंग, पेंटिंग समेत कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। योगा, खेल के महत्व और दूसरे समसामयिक विषयों पर छात्रों के बीच परिचर्चा का सत्र भी रखा गया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों के मनोरंजन के लिए मैजिक शो का भी आयोजन किया गया। बहुत अच्छा लगा संसद भवन में, मतलब बच्चों को प्रोत्साहित, इतना अच्छा प्रोत्साहित करते हैं ताकि हम बाहर भी जाके अच्छा करें। मैंने एसे राइटिंग में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा था, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन टॉपिक पे मैंने एसे लिखा था, उसमें मैंने डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस लिखी थी और हाउ टू बी अ डिसिप्लिन पर्सन लिखा था, एंड आई ऑल्सो रोट अबाउट इनडिसिप्लिन पर्सन। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब दूसरी बार आया था मैं यहाँ पे, वैसे तो कॉन्फिडेंस लेवल को पता चला अपना यहाँ पे आके, अभी और मेहनत करनी है, अभी यहाँ पे आके सबके सामने बोल गए, काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा नर्वस हुआ पर अब कॉन्फिडेंस पे काम करना है। 1995 से राज्यसभा दिवस के मौके पर हर साल इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन होता है। राज्यसभा सचिवालय क्लब के अध्यक्ष का कहना है कि इस तरह के आयोजन का मकसद बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाना है। राज्यसभा दिवस की पूर्व संध्या के हिसाब से हम लोग उन बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग कंपटीशन है, ऐसे राइटिंग है और डिबेट कंपटीशन है, इस तरह से उनके कंपटीशन कराकर उनको पुरस्कृत किया जाता है, जिससे कि उनका भी मोरल एक अप होता है और इंस्टीट्यूशंस में उनके पेरेंट्स किस परिस्थिति में और कहाँ काम कर रहे हैं उसको देख के भी उनके अंदर एक नया जज्बा पनपता है, तो इसलिए हम इस प्रोग्राम को आयोजित करते हैं। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा वजूद में आया था, लिहाजा हर साल 3 अप्रैल को राज्यसभा दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन कर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। अप्रैल में राज्यसभा डे पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। मोहम्मद फातेह, राज्यसभा टीवी। भारत में अगली जनगणना 2021 में की जाएगी और उस साल की 1 मार्च की तारीख उसकी आधार तिथि भी होगी। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत शक्तियों के मुताबिक केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमपात प्रभावित इलाकों को छोड़कर जनगणना की आधार तारीख 1 मार्च 2021 रात 12 बजे होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों के लिए आधार तारीख अक्टूबर 2020 की पहली तारीख होगी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आगे विशेष में देखिए गोल्डन हाइट्स। नमस्कार।